बिहार के नौजवानों के लिए नौकरी मांगने हम लोग आए थे और नीतीश जी लाठी चला रहे हैं। 19 लाख रोजगार नीतीश जी ने बिहार विधानसभा चुनाव में वादा किया था। नीतीश कुमार जी वादा निभाइए, 19 लाख रोजगार कहा है ये बदलाइए। बिहार के नौजवान तो पहले से ही परेशान हैं। आप 15 साल में कोई नए कल कारखाने नहीं लगाए, रोजगार के अवसर का सृजन नहीं किए, बंद पड़े उद्योग धंधे चीनी मिलों का आपने पुनरुद्धार नहीं किया, चालू नहीं करवाए, 4.5 लाख शिक्षक की बहाली नहीं की, आप परीक्षा ले लिए, केवल ज्वाइनिंग कराना है 94,700 बीटेट सीटेट क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। 30,020 माध्यमिक स्कूल के टीचरों का आप ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। 37,335 एस्टेट अभ्यर्थियों का आप परीक्षा लेकर के रिजल्ट नहीं घोषित कर रहे हैं। ये तमाशा है बिहार में, और बिहार के नौजवानों के लिए नौकरी रोजी रोजगार की अवसर कम हुए हैं पहले से, क्योंकि मोदी जी केंद्र सरकार रेलवे समेत तमाम सरकारी कंपनियों को उपक्रमों को बेच रहे हैं, सरकारी संस्थानों का नीलामी कर रहे हैं, रेल भेल सेल हेल तेल, हवाई अड्डा बंदरगाह लोहे की खान कोयले की खान LIC बैंक, ये तमाम चीजों का नीलामी हो रहा है। तो बिहार के नौजवानों को पहले से रोजगार के और अवसर कम हो गए, तो हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, और आज नीतीश जी का जन्मदिन है, बिहार के नौजवानों को उन्होंने तोहफा दिया है। हम लोग MLA हैं, उनके इशारे पर यहाँ SP DSP के नेतृत्व में लाठी चली है, हम लोगों को देखिए लाठी से पिटा गया है, कई हमारे दो दर्जन हमारे छात्र युवा घायल हैं, PMCH में एडमिटेड हैं, और इसलिए नीतीश जी ये लाठी से रोजगार की आवाज को खामोश नहीं कर सकते, आंसू गैस से बिहार के नौजवानों की सपनों की हत्या नहीं हो सकती है। बिहार के 15 साल नीतीश जी और 6 साल से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी बिहार के नौजवानों के सपनों आकांक्षाओं का खून करने का काम किया, ये लोन दे रहे हैं, ठेका मंदे की बात हो रही है। बिहार के नौजवान रोजगार पाने के पहले ही, नौकरी पाने के पहले ही कर्जदार हो जाएं, और जिस तरीके से कर्ज में फंस करके देश के लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिहार के नौजवानों को नीतीश जी उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम उस दिशा में ले नहीं जाने देंगे। और इसलिए ये जो जितनी आप परीक्षा फॉर्म भरवाते हैं, नौकरी तो मिलती नहीं, परीक्षा तो लेते नहीं, रिजल्ट तो जारी करते नहीं, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग करते नहीं, हाँ एक काम जरूर करते, फॉर्म भरवा करके लाखों लाख रुपया बिहार के छात्रों से वसूल लेते हैं, एक काम और करते हैं, कोई परीक्षा है क्या? नीतीश जी की पेपर लीक करवाने में महारत हासिल है, इस मामले में वो बहुत इंजीनियरिंग किए हैं नीतीश जी, बिहार में कहां का क्या करेगा नौजवान, क्या करेगा उसकी जिंदगी का क्या होगा, पढ़े लिखे दो दो पीढ़ी को मार रहे हैं। आज बिहार के सरकारी स्कूलों में किनके बेटे पढ़ते हैं, किनकी बेटियां पढ़ती हैं, जिन मजदूर किसानों दलित महादलितों अकलियतों आदिवासियों के वोट से नीतीश जी 15 साल से बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, उन्हीं के बेटे बेटियों के भविष्य के लिए शिक्षा के लिए जो सरकारी स्कूल है उसको चौपट कर दिए, समान स्कूल प्रणाली आयोग के सिफारिशों को जो गरीबों के संतानों के हक में था, जो मजदूरों के खेत खलिहानों के बेटे बेटियों के हक में था, उसको शिक्षा माफियाओं के हक में समान स्कूल प्रणाली आयोग को आपने कूड़ेदान में डाल दिया।